इस वीडियो क्लास में हम इंटरमीडिएट के एक नए चैप्टर सर्विस टेक्निशियन के विषय में पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं कि इस COVID-19 में आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल पा रही होगी और हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले ये वीडियोज आपको पढ़ने में काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहे होंगे। इसी आशा के साथ आज ये नई वीडियो आपके लिए है जो कि आपके सर्विस टेंशन चैप्टर से रिलेटेड है। चलिए बात करते हैं सर्विस टेंशन की कि सर्विस टेंशन क्या है। सर्विस टेंशन को हिंदी में हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं इसको? पृष्ठ तनाव। इस चैप्टर में आपको मेनली दो चीजें पढ़नी होती हैं। एक आपका होता है उत्प्रेरक। क्या होता है? उत्प्रेरक। और दूसरा होता है आपका कोलाइड। कोलाइड। इन्हीं दो चैप्टरों को आप पढ़ने वाले हैं या इन्हीं दो सेक्शन को आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम एक वीडियो में आपको उत्प्रेरक से रिलेटेड सारी चीजें सारे पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करेंगे और दूसरे वीडियो में आपको कोलाइड से रिलेटेड सारी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उत्प्रेरक की कि आखिर उत्प्रेरक होता क्या है। उत्प्रेरक एक ऐसा शब्द है जिसको अंग्रेजी में हम कैटालिस्ट नाम से जानते हैं। कैटालिस्ट, ठीक। अब उत्प्रेरक होता क्या है? उत्प्रेरक की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हम देते हैं कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर को बढ़ा या घटा दे उसी को हम उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप किसी एक अभिकर्मक ए की रिएक्शन बी के साथ करा रहे हैं और जिसकी वजह से दोनों आपस में मिलकर सी नाम का उत्पाद बना रहे हैं, ठीक। अब ये अभिक्रिया या तो तेज होगी या तो धीमे हो रही होगी, पहले से किसी भी न किसी प्रकार से हो रही होगी। अब इसी अभिक्रिया के बीच में अब बाहर से कोई एक नया अभिकर्मक आप बी नाम का अभिकर्मक लेकर आए और इस अभिक्रिया के बीच में उसे भी डाल दिए। अब हुआ क्या कि इस बी के आने की वजह से अगर ये अभिक्रिया की जो अभिक्रिया दर थी, मतलब अभिक्रिया होने की जो रेट ऑफ रिएक्शन थी, अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है तो माना ये जाएगा कि ये जो बाहर से आया हुआ पदार्थ है वो क्या है? उत्प्रेरक है, ठीक। मतलब उत्प्रेरक की परिभाषा और यहाँ से ये चीजें समझ में आती हैं कि अगर किसी अभिक्रिया में कोई बाहरी पदार्थ के डाल देने से अभिक्रिया की दर जो है, स्पीड जो है, वो कम या ज्यादा हो जाए तो बाहर से डाले गए इस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। मतलब उत्प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाहर से लाया गया कोई पदार्थ डाल देने से अभिक्रिया की दर घट या बढ़ जाती है, तो इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। और जिस पदार्थ की वजह से अभिक्रिया की दर घटी या बढ़ी है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि ये जो उत्प्रेरक है इसकी क्या क्वालिटीज होती है, ठीक। तो हम बात करते हैं कि उत्प्रेरक के गुण कौन कौन से होते हैं। उत्प्रेरक गुण, क्वालिटी या कैटालिस्ट, ठीक। तो उत्प्रेरक के गुण कौन कौन से होते हैं, अब इनकी बात करते हैं। तो उत्प्रेरक का जो सबसे पहला गुण होता है वो ये गुण होता है कि कोई भी उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की शुरुआत नहीं करता। अभिक्रिया पहले से हो रही हो, चाहे धीरे हो रही हो, चाहे यह तेज हो रही हो, ये उत्प्रेरक पहुंचकर सिर्फ अभिक्रिया दर को बढ़ा या घटा देता है। क्या काम करता है? अभिक्रिया दर को, अभिक्रिया दर को बढ़ाता या घटाता है, ठीक। पहला तो गुण ये हो गया। दूसरे गुण की बात करें तो दूसरा गुण ये है कि जो उत्प्रेरक होता है ये हर एक रिएक्शन में बहुत छोटे अमाउंट के लिए डाला जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दूध से दही बनाना है और खेडमन के लिए आपको जामन की आवश्यकता है। अब उस समय जामन की मात्रा आप दूध की तुलना में थोड़ा बहुत कम ही डालते हैं, तो वैसे ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए जो उत्प्रेरक की मात्रा होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है, मतलब बहुत छोटी मात्रा की आवश्यकता होती है, छोटी मात्रा, ठीक, की आवश्यकता होती है। अगली बात कर रहे हैं तीसरी क्वालिटी की, इसमें तीसरा गुण क्या है? तो तीसरा गुण ये है कि हर एक अभिक्रिया के लिए उसका उत्प्रेरक विशिष्ट होता है, ठीक। जैसे आपको दूध से दही बनाना है तो आप जामन का इस्तेमाल करोगे, मिट्टी के तेल डाल दोगे तो क्या दही बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। इसका
इसका मतलब ये है कि दूध से दही में परिवर्तन करने के लिए, किण्वन करने के लिए आपको जामुन की ही आवश्यकता है। वैसे ही हर एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही होता है कि जब वही आप डालोगे अभिक्रिया के अंदर तभी रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी या बढ़ेगी। अगर आप वो नहीं डालते हो तो अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो इसी गुण को कहते हैं विशिष्टता का गुण, अर्थात उत्प्रेरक जो होते हैं वो हर एक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट होते हैं। ठीक, ये हो गया तीसरा गुण। चौथी बात ये हुई कि जैसे इस अभिक्रिया ए और बी को आपस में मिलाने पर सी बन रहा था, अब आपने डी तो डाल दिया, तो ये डी कहीं जाएगा नहीं। जब अभिक्रिया आपकी पूर्ण हो जाएगी, ए और बी सी में कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा, तो उस समय ये डी इसी सी के साथ मिलेगा। ठीक, और जितनी मात्रा में आपने डाला था उतनी ही मात्रा में आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर आपने डी के रूप में जल मिलाया है तो ये जो डी होगा ये भी जल ही होगा, ऐसा नहीं है कि अब ये टूट के कुछ और हो जाएगा या बदल जाएगा। जल ही था तो जल ही है, बस परिवर्तन होगा तो सिर्फ अवस्था में। ये आपने बर्फ के रूप में डाला हो तो पानी के रूप में हो सकता है मिले, या हो सकता है भाप के रूप में मिले, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इसकी जितनी मात्रा थी वो मात्रा यहाँ कम हो जाए। हमेशा समान मात्रा में समान संगठन में मिलता है, बस केवल अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, पांचवा गुण, की अंत में भी अंत में बराबर मात्रा में मिलता है, बराबर मात्रा में मिलता है। ठीक, अगला बात करें तो पांचवा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, अगर वो अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, मतलब सामने अवस्था होती है, उस सामने अवस्था को प्रभावित नहीं करता। तो पांचवी बात क्या हो गई कि साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। ठीक, तो इतनी जो बातें थी वो हो गई उत्प्रेरक के लिए, कि उत्प्रेरक के जो गुण है उनमें से पहला गुण ये है कि ये अभिक्रिया की कभी शुरुआत नहीं करेगा, सिर्फ अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या फिर अभिक्रिया की दर को घटाएगा। दूसरी इसकी क्वालिटी ये हो गई कि चाहे अभिक्रिया जितनी भी बड़ी हो, चाहे जितनी भी अमाउंट में हो, उसमें थोड़ी सी मात्रा में अगर आपने उत्प्रेरक डाल दिया है तो पूरा आपका काम होगा, मतलब अभिक्रिया की दर घटेगी बढ़ेगी, जो उत्प्रेरक का काम है वो सारा काम होगा। साथ ही साथ तीसरी बात विशिष्टता की बात हुई कि हर एक रिएक्शन के लिए अपना फिक्स उत्प्रेरक है, जब आप वही उत्प्रेरक डालोगे तभी आपकी अभिक्रिया उत्प्रेरित होगी। अगली बात जो मैंने बताया कि अंत में ये बराबर मात्रा में आपको मिलेगा, जितनी मात्रा में शुरू में आपने कैटालिस्ट यूज किया है उतनी ही मात्रा आपको लास्ट में मिलेगी, साम्यावस्था को ये इफेक्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से आप उत्प्रेरक के जो क्वालिटीज होती हैं उन क्वालिटीज के विषय में पढ़े हैं। अब चलिए इसके अगले बिंदु पर पढ़ते हैं जो कि है इनके प्रकार। ठीक, तो बात करते हैं कि उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, या जो उत्प्रेरण है हमारा ये उत्प्रेरण होता कितने प्रकार का है। तो ठीक है, जो उत्प्रेरण होते हैं, अगर हम बात करें कि उत्प्रेरण के प्रकार कौन कौन से हैं, तो उत्प्रेरण के प्रकार में पहला जो प्रकार आता है वो आता है धनात्मक उत्प्रेरण। कौन सा आया, धनात्मक उत्प्रेरण। अब धनात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं इसकी बात कर लेते हैं। धनात्मक उत्प्रेरण हम उस उत्प्रेरण को कहते हैं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई बाहरी पदार्थ लाके आप डाल दीजिए, और डालने की वजह से अभिक्रिया की जो दर है वो सिर्फ बढ़ने का काम करे। ठीक, अभी तक क्या हो रहा था कि डालने से बढ़ता घटता दोनों था, लेकिन ऐसा केस बने कि सिर्फ अभिक्रिया की दर बढ़ती जाए, तो उस स्टेज पर हम क्या कहते हैं कि धनात्मक उत्प्रेरण हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने क्या काम किया कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिक्स कराना चाहा, और जिससे अमोनिया गैस आपकी बन रही। ठीक, आपकी अमोनिया गैस बन रही। अब शुरुआत में क्या होगा कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आप बनाओगे तो उससे अमोनिया तो बनेगी, लेकिन इसकी जो बनने की दर होगी वो बहुत कम होगी। इसी बीच आपने क्या काम किया कि बाहर से लाकर कुछ लोहे की केल्स इसमें डाल दी इस रिएक्शन में। अब जैसे ही लोहा इस रिएक्शन में आया, तुरंत ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अमोनिया बनाना स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया की दर पहले धीमी थी, धीमी होने की वजह से अमोनिया की मात्रा कम बन रही थी, लेकिन जैसे ही आपने एफई डाल दिया, एफई के डालने की वजह से अभिक्रिया की दर बढ़ गई और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें अमोनिया प्राप्त होने लगी।
तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाहरी पदार्थ के आ जाने की वजह से अभिक्रिया दर क्या हो बढ़ जाए तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं और जो बाहरी पदार्थ डाला जाता है उसे हम धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी दूसरे उत्प्रेरण पर जिसका नाम है ऋणात्मक उत्प्रेरक, जिसे हम निगेटिव कैटालिसिस कहते हैं। ठीक, तो क्या है अगला? निगेटिव कैटालिसिस। ठीक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरण जो होता है वो धनात्मक उत्प्रेरण का ठीक उल्टा होता है। धनात्मक में क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रही थी, ऋणात्मक में ये क्या करेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। इसीलिए इसको ऋणात्मक उत्प्रेरण के साथ साथ संदमक कहते हैं। संदमक इसका अर्थ है कि अभिक्रिया दर को कम कर देने वाला। ठीक है, यहां बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन परऑक्साइड है, H2O2 है। ठीक, अब इसका विघटन होगा, जब तो विघटन होने पर ये जल और ऑक्सीजन में टूटता है। ठीक है, इसमें टूट रहा है जल और ऑक्सीजन। ठीक है, अब अगर इसी अभिक्रिया के अंतर्गत जब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जल और ऑक्सीजन में टूट रहा हो, अगर उसी वक्त थोड़ी मात्रा में आप ग्लिसरीन डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए? ग्लिसरीन, तो क्या होगा कि इसके टूटने की जो दर रहेगी वो कम हो जाएगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? पहले मान लीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन हो रहा था तो ये जल्दी से अभिक्रिया हो जा रही थी, लेकिन जैसे ही आपने ग्लिसरीन डाल दिया अब इसमें समय ज्यादा हो रहा है, टूटेगा ही लेकिन इसके समय में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, अर्थात इसकी अभिक्रिया दर घट जाएगी। तो हम ऋणात्मक उत्प्रेरण की कैसे परिभाषा देंगे? कहेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी बाहरी पदार्थ के आने की वजह से अभिक्रिया की दर घट जाए तो इस उत्प्रेरण को हम ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, तथा जो बाहरी पदार्थ आया है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। इसी ऋणात्मक उत्प्रेरक को एक दूसरे नाम संदमक से भी जानते हैं। ठीक, चलिए अब अगला है तीसरा नंबर, वो है स्व उत्प्रेरण का। स्व उत्प्रेरण, स्व उत्प्रेरण का मतलब नाम ही से स्पष्ट हो रहा है कि स्वयं से ही उत्प्रेरित हो जाए। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास एथिल एसीटेट है CH3COOC2H5, ये है एथिल एसीटेट और इसका आप जल अपघटन करा रहे हैं, मतलब जल के अंदर घोल कर इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इसे तोड़ोगे तो ये किस में बदलेगा? ये आपका CH3COOH+C2H5OH में बदलेगा। ठीक, अब ये आपका रिएक्शन हो गया कि एथिल एसीटेट का जब आपने जल अपघटन कराया तो एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल आपको मिला। पहले शुरुआत में क्या होती है कि ये अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे चलती है, मतलब बहुत स्लो रिएक्शन होती है, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद ये अभिक्रिया थोड़ा स्टार्ट होती है और इसके प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होते हैं, थोड़ी मात्रा में जैसे ये एसिटिक एसिड बनता है, यही एसिटिक एसिड के बनने की वजह से अब ये अभिक्रिया स्वयं से ही तेज बनना स्टार्ट हो जाती है, तेज होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये एसिटिक एसिड जो है वो इस पूरी अभिक्रिया को कैटालाइज करने लगता है। ठीक, तो जब किसी अभिक्रिया में बना हुआ उत्पाद ही पूरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करना स्टार्ट कर दे तो ऐसे उत्प्रेरण को हम क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जो अगली बात करते हैं वो करते हैं हम प्रेरित उत्प्रेरण या अभिप्रेरित या प्रेरित उत्प्रेरण नाम है प्रेरित प्रेरित उत्प्रेरण। क्या होता है प्रेरित उत्प्रेरण? एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि जब कोई प्रेरित उत्प्रेरण उस उत्प्रेरण को कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है और इसकी आप बी से रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन इसकी क्या है कि हो जा रही है। ठीक, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, मान लीजिए सी बन रहा है। ठीक, वही एक दूसरी अभिक्रिया है जो कि डी और ई की होनी है। अब आपने देखा कि डी और ई की अभिक्रिया जो होनी है वो हो नहीं रही है। ठीक, इसका कोई उत्पाद नहीं बन रहा। ठीक, अब आप काम क्या करिए कि इन दोनों अभिक्रियाओं को जब एक ही साथ रख दें, एक ही पात्र में रख दें, और कुछ ऐसा हो कि ए और बी तो पहले से अभिक्रिया कर रहे थे, डी और ई थोड़ा उत्पाद बना रहे हो जो कि ना के बराबर हो लगभग,
तो आप देखेंगे कि जब दोनों को एक ही पात्र में आप कराएंगे तो ये डी और ई से मिलकर जो आप उत्पाद चाहते हैं वो उत्पाद भी धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पहले ये अभिक्रिया सिंगल अवस्था में नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही ए और बी सभी अभिक्रिया के संपर्क में आई ये भी अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी। तो जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को अभिप्रेरित करती है तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। बात समझ में आई? तो ये थे आपके उत्प्रेरण के प्रकार। मूलतः आप चार प्रकार का उत्प्रेरण पढ़ते हैं, जो कि एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, एक स्व उत्प्रेरक था और दूसरा था प्रेरित उत्प्रेरण। अब अगर हम किसी उत्प्रेरण में अभिकर्मक और उत्पाद की अवस्थाओं को लेकर चर्चा करें तो यही उत्प्रेरण दो अन्य भागों में भी बढ़ जाता है। पहला होता है समांग उत्प्रेरण। क्या है? समांग उत्प्रेरण। और दूसरा जो उत्प्रेरण का प्रकार है वो है विषमांग उत्प्रेरण। विषमांग उत्प्रेरण। अब समांग उत्प्रेरण या विषमांग उत्प्रेरण कहते हैं किसको? मैंने अभी आपको बताया कि अभिकर्मक और उत्पाद की अवस्था के आधार पर अगर हम बात करें तो ये उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं, समांग और विषमांग। तो अवस्था की बात ये कर रहे हैं, इनका मतलब ये है कि मान लीजिए ए और बी की आप अभिक्रिया करा रहे हैं जिससे आपको सी मिलना है, ठीक, और उत्प्रेरक के रूप में आपने डी का इस्तेमाल किया है। तो अभिक्रिया या उत्प्रेरण समांग उत्प्रेरण कहलाएगी जिस वक्त आपकी अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले अभिकर्मक और उत्प्रेरक सभी एक ही अवस्था के हों। अर्थात अगर ए ठोस है, ठोस अवस्था में है, तो बी भी आपके ठोस अवस्था में रहे और डी भी आपका ठोस अवस्था में रहे। तो अगर तीनों की अवस्थाएं एक जैसी हो गई तो उत्प्रेरण जो हो रहा है उसी को हम कहेंगे समांग उत्प्रेरण, ठीक है। अगर इसका उल्टा हो गया, मतलब ए या बी में से किसी एक में चेंजेस हो गया, मान लीजिए ए ठोस है, बी भी आपका ठोस है और डी कहीं आपका गैस अवस्था में या द्रव अवस्था में हो गया, तो जैसे ही अवस्था में परिवर्तन हुआ तुरंत ये उत्प्रेरण कैसा हो जाएगा? विषमांग उत्प्रेरण हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखिए सल्फर है, सल्फर की आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिलता है, ठीक, या सल्फर डाइऑक्साइड भी आप ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है। इस अभिक्रिया में जो येलो है ये येलो आपका एज अ कैटालिस्ट काम करता है, ठीक, कैसा काम करता है? एज अ कैटालिस्ट। अब यहाँ देख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और ये नाइट्रोजन भी आपकी गैस ही है। तो तीनों की अवस्था एक है, अभिकर्मकों की और प्रयोग किए गए उत्प्रेरक की भी। तो जब अभिकर्मक और उत्प्रेरक सबकी अवस्था एक ही हो तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या कहेंगे? समांग उत्प्रेरण कहेंगे। वही मान लीजिए आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराके अमोनिया बना रहे हैं, इस अमोनिया के बनाने में आपने यफी का इस्तेमाल किया है एज अ उत्प्रेरक। तो नाइट्रोजन क्या है? आपकी गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। लेकिन ये क्या है आपका? आयरन क्या है? होता है सॉलिड होता है। तो सॉलिड हो गया तो कहीं ना कहीं इनकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण हो रहा है वो कैसा उत्प्रेरण है? विषमांग उत्प्रेरण है, ठीक है। चलिए अब इनके अलावा बात करते हैं कुछ अन्य बिंदुओं पर और इस पाठ में प्रयोग होने वाले कुछ अन्य शब्दों के विषय में। अब आपको पढ़ना है कि उत्प्रेरक में वर्धक का क्या रोल होता है। इसका रोल पढ़ना है आपको वर्धक का, ठीक, कि आखिर वर्धक क्या होता है। शब्दावली में वर्धक जो है, वर्धक एक प्रकार का कंपाउंड होता है जो उत्प्रेरक के लिए भी उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक। जैसे मान लीजिए ए और बी की आपस में आप अभिक्रिया करा रहे हैं और इनसे सी आपका बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में, आपने इनकी अभिक्रिया की गति को तेज या धीमा करने के लिए एक उत्प्रेरक डी डाला, ठीक। डी की मात्रा डाल देने से ये अभिक्रिया को उत्प्रेरित तो करेगा, लेकिन थोड़ी समय के बाद जब ये अभिक्रिया होने लगेगी तो कुछ समय बाद इस डी की क्षमता या इसकी कार्य क्षमता में कुछ कमी आएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप एक और से कोई बाहरी पदार्थ लेकर आइए, ई नाम का पदार्थ डाल दीजिए, जो इस अभिक्रिया में अकेला आया होता तो कुछ ना होता इस अभिक्रिया का, लेकिन डी के रहने के बाद आया है तो ये ई आएगा और डी को की क्रियाशीलता को बढ़ा देगा। अब डी की क्रियाशीलता बढ़ गई, डी की फिर से ऊर्जा बढ़ गई, तो ये फिर से अभिक्रिया को और तेजी से उत्प्रेरित करने लगेगा, ठीक। तो मतलब ये हुआ कि वर्धक उस पदार्थ को कहते हैं, यहां पर ई क्या होगा? वर्धक होगा,
तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग किए गए उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला जो बाहरी पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्धक कहते हैं। ठीक, अर्थात वर्धक एक ऐसा है जो अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक नहीं होता है बल्कि उत्प्रेरक के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, ये हो गया आपका वर्धक। अब दूसरी बात करते हैं, आपका एक होता है विष उत्प्रेरक, विष उत्प्रेरक। विष उत्प्रेरक किसे कहते हैं? विष उत्प्रेरक कुछ ऐसा उत्प्रेरक है कि जैसे कोई एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो और उसके अंदर अगर आप विष उत्प्रेरक डाल दीजिए तो विष उत्प्रेरक के डालने की वजह से अभिक्रिया जितना कुछ बनी है बस उसी पर जाकर रुक जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन करा रहे हैं तो ये आपका जल और ऑक्सीजन में टूट रहा है। ठीक, ऐसे में आप प्लेटिनम कैटालिस्ट का उपयोग कर रहे हैं, प्लेटिनम के उपस्थिति की वजह से क्या होगा कि ये टूटने की जो क्रिया है वो आराम से होती रहेगी। लेकिन अब पता चला कि इसी प्लेटिनम कैटालिस्ट की उपस्थिति में आपने थोड़ी सी मात्रा में आर्सेनिक ला के डाल दिया। अब ये आर्सेनिक क्या काम करेगा कि आर्सेनिक जो होता है वो प्लेटिनम के लिए विष का काम करता है, तो प्लेटिनम का जो भी काम था इस अभिक्रिया में उस पूरे काम को वो खत्म कर देगा। ठीक है, मतलब अब प्लेटिनम का होना ना होना एक जैसा हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थों पर जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ही नष्ट कर देते हो उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक में बात करते हैं कि उत्प्रेरण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। जो दूसरा सिद्धांत पढ़ना है वो आपका दूसरा सिद्धांत है अधिशोषण का सिद्धांत, अधिशोषण का सिद्धांत। दोनों सिद्धांत आपको पढ़ने हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं माध्यमिक यौगिक सिद्धांत से। ठीक, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या होता है? हमारे किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया किस प्रकार से घटती या बढ़ती है उसकी अभिक्रिया दर, इस विषय को बताने के लिए दो दो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिनमें से पहला है माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत आपसे ये कहता है कि मान लीजिए कोई एक अभिक्रिया है ए प्लस बी गिव्स आउट सी और इसमें डी नाम का एक उत्प्रेरक डाला गया, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार से उत्प्रेरक अपना रोल इस अभिक्रिया में प्रदर्शित करता है उसी चीज को समझाने के लिए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार ये है कि जब किसी अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाता है तो ये उत्प्रेरक सबसे पहले किसी अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है, मतलब किसी एक अभिकर्मक से अभिक्रिया करेगा। मान लीजिए ए ने क्या काम किया, डी के साथ अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद एडी नाम का एक कंपाउंड बनाएगा। ये कंपाउंड जो होता है वो अभिक्रिया के बीच में बनता है और काफी रिएक्टिव होता है। अभिक्रिया के बीच में बनने की वजह से इसे माध्यमिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यमिक यौगिक। और ये माध्यमिक यौगिक काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, अभिक्रिया में ज्यादा देर के लिए टिकता नहीं, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो टिकेगा नहीं बिल्कुल। अब ये एडी जो होता है वो तुरंत किसी दूसरे अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो यही एडी क्या काम करेगा, बी के साथ अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके आपका उत्पाद दे देगा और साथ ही साथ उत्प्रेरक जो होगा आपका बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एट द लास्ट ऑफ रिएक्शन उत्प्रेरक जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी भी बना दिया और जो आपने उत्प्रेरक इस्तेमाल किया था वो उत्प्रेरक बाहर भी चला गया। तो आपने देखा कि किसी अभिक्रिया के दौरान जो उत्प्रेरक होता है वो एक माध्यमिक यौगिक का निर्माण करता है और ये माध्यमिक यौगिक बीच में बनने की वजह से इसको माध्यमिक यौगिक कहते हैं और काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए हमको रिएक्शन में दिखाई नहीं देता है। तो किसी भी अभिक्रिया में कैटालिस्ट किस प्रकार से अपना कार्य करता है इस कार्य को समझाने के लिए माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत ये था और इन्होंने इस तरीके से इसके से क्रियाविधि को बताया। ठीक, ये हो गया आपका माध्यमिक यौगिक का सिद्धांत। अब बात करें अधिशोषण का सिद्धांत। तो अधिशोषण के सिद्धांत को समझने से पहले आपको दो बातें समझनी है, आपको दो शब्दावलियां समझनी है कि अवशोषण क्या होता है, अवशोषण और अधिशोषण क्या होता है। ठीक,
इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अवशोषण और अधिशोषण में। अवशोषण का अर्थ होता है सोख लेना। सोख लेने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी सोखते को पानी के अंदर जब डुबोते हो तो आप देखते हो कि पानी के जो कण है वो सोखते के अंदर तक गए हुए हैं। तो जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर तक चली जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सॉरी अवशोषण। ठीक, अधिशोषण क्या होता है? अधिशोषण वो होता है कि जब किसी पदार्थ के ऊपर ही ऊपर कोई वस्तु चिपकी रह जाए तो उसी को अधिशोषण कहते हैं। जैसे हम किसी बॉल को लेकर पेंट कर दें तो पेंट क्या होगा, अंदर तक थोड़ी जाएगा, केवल बाहर ही बाहर, आउटर सरफेस को वो केवल रंगीन बना देगा। तो पेंट इस समय अधिशोषित हुआ है, जबकि अगर उसी बाल को हम क्या काम करें, पानी के अंदर डाल दें तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वाटर अंदर चला गया उस सोखते की वाली बॉल के अंदर, इसलिए क्या हुआ, वो अवशोषित हो गया। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं इस अधिशोषण के विषय में। अधिशोषण के विषय में ये बताया गया कि जब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया होती है ए और बी के बीच में, और जिससे डी उत्पाद बनता है और सी नाम का मान लीजिए कैटलिस्ट आपने बनाया है, तो होता क्या है कि ये जो सी होता है वो इनके ही यौगिकों के बिल्कुल ऊपरी आउटर सरफेस पर जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक, अधिशोषित हो जाता है। अधिशोषित होने की वजह से जब ये ए पहले था तो इसके पास एक्टिव सेंटर्स कम थे। एक्टिव सेंटर वो केंद्र होते हैं जो अभिक्रिया को होने के लिए सहायक होते, मतलब यहीं से अभिक्रिया की शुरुआत होती है एक्टिव सेंटर से। जितना ज्यादा एक्टिव सेंटर होगा जिसके पास, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो उत्प्रेरक क्या काम करता है कि जाकर सरफेस को घेर लेता है। ठीक, सरफेस को घेरने के बाद एक्टिव सेंटर्स की जो मात्रा पहले तीन थी, अब उसी मात्रा को ये छह सात कर देगा। मतलब अब क्या हुई, एक्टिव सेंटर्स की मात्रा बढ़ गई। तो एक्टिव सेंटर्स की जब मात्रा बढ़ गई तो अगले अभिकर्मक के ज्यादा से ज्यादा कण इस पर अपना रिएक्शन करेंगे और अभिक्रिया की दर भी स्वतः बढ़ जाएगी। तो अधिशोषण सिद्धांत का कहना यह था कि किसी अभिक्रिया में डाला गया जो उत्प्रेरक होता है वो जाकर अभिकर्मक की ऊपरी सतह को कवर कर लेता है। कवर करने की वजह से उस अभिकर्मक की अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है और वो किसी दूसरे अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके तेजी से रिएक्शन का प्रोडक्ट देता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम आप पढ़ पाए कि उत्प्रेरक के सिद्धांत क्या है और कौन कौन से उत्प्रेरक के सिद्धांत आपको पढ़ने थे, दो, और जिनके आपने अध्ययन कर लिए। अब चलिए अगली बात करते हैं। तो अगली बात जो आपकी इसमें बची हुई है वो है आपका एंजाइम। वीडियो काफी ज्यादा लंबा होता जा रहा है और आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, इस स्थिति में वीडियो बना पाना, इस गर्मी के माहौल में वीडियो बना पाना काफी दुविधापूर्ण होता है और बीच में तबीयत ना सही होने की वजह से वीडियो बन भी नहीं पा रहे थे। आशा करते हैं कि आप इस मेहनत को देखते हुए और अपनी पढ़ाई को देखते हुए वीडियो को पूरा देखेंगे और इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। जो भी चीजें आप इसमें हमसे पूछेंगे उसका आपको उत्तर दिया जाएगा और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।